जो किसान है उसने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है। ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए हैं। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है, किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है, और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है, और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिए जाए। सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए, किसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको समझ आ रही है बात कि अगर वो आज कॉम्प्रोमाइज़ कर गए तो उनका हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं रहेगा। वो बहुत, उनको बहुत क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि अगर वो आज नहीं खड़े हुए, और मैं किसानों से कह रहा हूँ, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे, और हम सब आपके साथ हैं। आप बिल्कुल घबराइए मत, हम सब आपके साथ खड़े हैं, आपको कोई पीछे नहीं हिला सकता, आप हिंदुस्तान हो। थैंक यू।